नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एक बड़ी वैकेंसी की। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी डिटेल है वो मिस ना हो। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये अपने देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी NIA के द्वारा निकली हुई है। और इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा इसका 13/5/2023 से लेकर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 30 जून 2023 को। ठीक है, 13/5 से लेकर 30/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पंचकुला है, पंचकुला हरियाणा के अंदर, वहाँ पर नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बना है, तो उसी के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा इज ए न्यू इंस्टीट्यूट कमिंग अप इन ए 20 acres ऑफ लैंड लीज्ड आउट बाय श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला। तो ये नया हॉस्पिटल बनने वाला है, 250 बेड का हॉस्पिटल होगा, साथ में इंस्टीट्यूट होगा। और यहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर वैकेंसियों की बात करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें, टोटल 16 पोस्टें हैं। और यहाँ पर ये PDF डाउनलोड करके डिटेल देख सकते हैं किस क्षेत्र की या किस सब्जेक्ट की पोस्टें निकली हुई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा के अंदर, और जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ये होनी चाहिए जो IMCC एक्ट 1970 बना उसके अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। पे लेवल है वो लेवल 10 के अनुसार आपको 56,100 से लेकर 1,57,500 प्लस NPA मिलने वाला है। एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले। अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, इसके लिए MD या MS डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा के अंदर, और पे लेवल है 10 के अनुसार 56,100 से लेकर 1,57,500 रुपये मिलने वाला है। एज अब लास्ट डेट से पहले पहले 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 साल कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट है, इसके लिए आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग होनर्स कर रखी है, और या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने BSc नर्सिंग कर रखी है आयुष से कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आप किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आयुष नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड के द्वारा, और आपका किसी भी स्टेट या नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 बेड के हॉस्पिटल में कार्य करने का, यदि आपने GNM किया है तब अप्लाई कर रहे हैं तो। यदि आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष कर रखा है, ये फार्मेसी के अंदर कर रखा है, तो आपका आयुष एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए आप कोई भी स्टेट या इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल के अंदर। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 बेड के अंदर, 25 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर कार्य करने का। पे स्केल है वो देख सकते हैं यहाँ पर, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये मिलने वाला है। एज अब इसकी लास्ट डेट तक 30 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास होने चाहिए कोई भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के अंदर, डी फार्मा फिर बी फार्मा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 5 के अनुसार 29,200 से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ पेमेंट आपको मिलने वाली है। एज अब 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले। उसके बाद एक पोस्ट है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उसके बाद एक मेट्रोन की पोस्ट है, ये डिप्यूटेशन बेसिस है, एक पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का जो असिस्टेंट मेट्रोन का कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए। बाकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लीकेशन है वो इसकी ऑफिशियल साइट से आप 13/5/2023 से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक है। जो अप्लीकेंट है वो इंडियन होना चाहिए यानी भारत का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एज लिमिट है, जो एज क्राइटेरिया उसमें छूट मिल जाएगी, 5 साल की छूट मिल जाएगी SC/ST के कैंडिडेट्स को, 3 साल की छूट मिल जाएगी OBC के कैंडिडेट्स को, 10 साल की छूट मिलेगी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो नियम बने हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर रहने वाला है, और लास्ट डेट इसकी 30 जून 2023 रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल और OBC के लिए 3,500 रुपये फीस है, और SC/ST EWS के लिए 3,000 फीस है।
मेडिकल ऑफिसर की 3500 रुपये फीस है OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये फीस है। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर 2500 रुपये फीस है जनरल और OBC कैंडिडेट्स की, SC ST EWS की 2000 रुपये फीस है। अकाउंटेंट की बात करें तो 2500 रुपये फीस है, फार्मासिस्ट की बात करें तो 2000 रुपये फीस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 3500 फीस है और मेट्रोन की भी 3500 फीस है। ये फीस देख सकते हैं SC ST और EWS कैंडिडेट्स की। फीस तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पेमेंट भी सैलरी भी बहुत है, ज़्यादा मिलने वाली है यहाँ पर। बाकी कोई भी डिटेल है वो इसके ऑफिशियल साइट से आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।